आज से करीब पांच महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो डाउनलोड फ्री सीमलेस ट्रांजिशंस एंड एलिमेंट्स फॉर प्रीमियर प्रो नाउ ये वीडियो पे आपने काफी ज्यादा प्यार दिया है थैंक यू सो मच बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं फॉलोअप वीडियो बनाऊं एंड जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उन लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व करूँ सो यहां पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस वाली वीडियो में ना सारी सॉल्व करने वाला हूं ये चीज़ आज भी फ्री है क्या इश्यूज़ हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में बट उससे पहले इसको मैं करता हूं क्लोज एंड यहां से मैं ओपन करता हूं प्रीमियर प्रो नाउ यहां पे आप देख सकते हो मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड चीज़ प्रीमियर प्रो अभी ये मैंने इंस्टॉल किया है फ्रेश इंस्टॉलेशन है मैंने पूरा का पूरा जो मेरा विंडोज़ है उसी को फ्रेश इंस्टॉलेशन करी है न्यू विंडोज़ को इंस्टॉल करा है उसके बाद प्रीमियर प्रो को इंस्टॉल करा है कुछ भी ऐसा चिस्में नहीं है आप देख सकते हो दो तीन मिनट पहले का ये प्रोजेक्ट है जो मैंने जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए बनाया था इस प्रोजेक्ट में भी कुछ भी नहीं है जस्ट स्टॉक फुटेजेज हैं जो अडो प्रीमियर प्रो के साथ आती हैं नाउ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ विंडोज़ पे जाते हैं एंड एक्सटेंशन पे अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहां पे मैं इसको कुछ भी चूज नहीं कर सकता हूं बिकॉज इसमें कोई भी एक्सटेंशन अभी इंस्टॉल नहीं है तो सारी चीजें आज मैं आपको स्क्रैच से बताने वाला हूं नाउ एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था जिनके पास प्रीमियर प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं है जो प्रीमियर प्रो को जस्ट ऐसे ही यूज करते हैं आप समझ सकते हो कौन से वाले वर्जन की मैं बात कर रहा हूं क्या उस पर यह चीज वर्क करेगी तो हाँ जी बिल्कुल वर्क करेगी मैं दाविंची रिजॉल्व अब यूज़ करने लगा हूँ अडो प्रीमियर प्रो का सब्सक्रिप्शन मैंने बंद कर दिया है फालतू में पैसे नहीं खर्च करने हैं नाउ ये वाला जो मेरा वर्जन अभी मैंने आपको प्रीमियर प्रो का दिखाया वो वही वाला वर्जन है आप समझ सकते हो नाउ ये वर्क आपके लिए भी करेगा नाओ मैंने आपको बता दिया है कुछ भी एस सच इसमें वो नहीं है एक्सटेंशन नहीं है और बहुत सारे लोगों को जो सेकंड प्रॉब्लम आ रही थी वो ये थी कि मोशन ब्रो का एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं हो रहा था पैकेज डाउनलोड नहीं हो रहा था अब पैकेज डाउनलोड इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज कई लोग अपनी ईमेल आईडी की जगह मेरी ईमेल आईडी डाल रहे थे तो कैसे होगा भाई तो उन चीज़ों को भी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप ये पूरी की पूरी किट को डाउनलोड कर सकते हो वन पॉइंट का ये फोल्डर है इसको ओपन करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास कुछ ये फाइल्स आएंगी सो फर्स्ट इस जो पैक है वो देन उसके बाद जेड एक्सपी इंस्टॉलर और मोशन ब्रो का एक्सटेंशन फाइल सो ये सारी चीज़ों को कैसे करना है फर्स्ट स्टेप ये जो एक्सटेंशन से पहले है ये जेड एक्सपी इंस्टॉलर इसको इंस्टॉल करना है नाउ यहां पे जेड एक्सपी इंस्टॉलर इंस्टॉल हो चुका है सेकेंड स्टेप जो मोशन ब्रोकर एक्सटेंशन है हमें वो इंस्टॉल करना है तो यहां से हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहां पे लिखा है ड्रैग जेड एक्सपी फाइल हेयर तो यहां से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो आप देख सकते हो मैं नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज कर्सर जो है वो रेड उसमें आ रहा है दैट मीन्स यहां पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता हूं ठीक है नो no प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइल पे जाएंगे ओपन पे क्लिक करेंगे देन उसके बाद मुझे ये जो लोकेशन है जहां पे मोशन ब्रो का मेरा ये पैक है जहाँ पे आपने फोल्डर सेव करा है आपको वो चूज़ करना है डेस्कटॉप देन उसके बाद केट और ये मोशन ब्रो ये जो पाथ है आपका अलग होगा आपको फोल्डर में जाके ये सिलेक्ट करना है मोशन ब्रो सिलेक्ट करेंगे ओपन पर कर देंगे क्लिक नौ यहाँ पर ये बोलेगा नो कंपेटेबल विद मोशन ब्रो वॉज फाउंड ऑन योर कंप्यूटर इग्नोर करो जस्ट इसको इंस्टॉल करो नाउ ये इंस्टॉल हो रहा है कुछ सेकेंड्स लेगा एंड इंस्टॉल हो जाएगा ऑल राइट सो जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो पूरा हो चुका है आप देख सकते हो मोशन प्रो वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड यूजिंग अ डायरेक्ट इंस्टॉलेशन क्लोज पे करेंगे क्लिक इसको कर देंगे क्लोज इसका काम हो चुका है नाउ स्टेप थ्री ये इंस्टॉल हो चुका था इसको भी कर देंगे क्लोज स्टेप थ्री क्या है ओपन करना है प्रीमियर प्रो नव प्रीमियर प्रो ओपन जस्ट होने वाला है एंड एक इश्यू पता और आ रहा था कुछ लोगों ने यह बोला था कि फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा था लेकिन उसके बाद वो वर्क नहीं कर रहा था तो उसके पीछे मैं आपको रीजन अभी बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है इसको हम कोई भी अब प्रोजेक्ट आप अपना ओपन कर सकते हो देन अब हम जाते हैं विंडोज़ पर एंड अब देख सकते हो एक्सटेंशन वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो अब यहाँ पर आ चुका है एंड साथ में आ चुका है मोशन प्रो इसपे करेंगे क्लिक नाउ, ये विंडो ओपन हो गई है एंड आपसे वो पूछ रहा है कि जो भाई आपकी फाइल्स हैं एग्जैक्टली exactly वो जो पैकेज है जिसमें ट्रांजेक्शन्स हैं एलिमेंट्स हैं एंड साथ में साउंड इफेक्ट्स हैं वो एग्जैक्टली exactly कहाँ पे हैं तो आपका जो फोल्डर है आपको वो चूज़ करना है वहाँ पे। डेस्कटॉप किट एंड उसके बाद यहाँ पर यह आप देख सकते हो ये है फोल्डर यहाँ से करेंगे सिलेक्ट फोल्डर और क्लिक कर देंगे नाव यहां पे कोई भी कोड आपको नहीं डालना है ऑटोमेटिकली कोड इसने ले लिया है साउंड इफेक्ट पैक फॉर प्रीमियर प्रो आप देख सकते हो चेक पे करेंगे क्लिक नाव यहां पे आप देख सकते हो ये हो चुका है साउंड इफेक्ट्स का जो है वो हो चुका है परचेस कोड कंफर्म नीचे आप देख सकते हो नाउ जो हमारे एलिमेंट्स हैं और जो प्रीसेट्स हैं एलिमेंट्स एंड ट्रांजेक्शन हैं उसके लिए भी यहां पे अगेन कोड आ चुका है चेक पे करेंगे क्लिक एंड ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है कंफर्म हो चुका है कोड एंड आप देख सकते हो आपके सामने सारी चीज़ें आ गई हैं बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ देन यहाँ से ये तो साउंड इफ़ेक्ट्स का पैक है यहाँ पर क्लिक करेंगे आप यहाँ से जो फ्री प्रीसेट्स हैं ट्रांजेशनस और जितने भी एलिमेंट्स हैं आप यहाँ से वो चूज़ कर सकते हो अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये एक पॉइंट लेकिन लेकिन अप्लाई हम बाद में करेंगे सबसे पहले जो इशू था कि एक बार चलता है उसके बाद नहीं चलता उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूं इसको करते हैं क्लोज़ ये फर्स्ट टाइम वर्क कर गया कर दिया क्लोज अब क्या होता है बहुत बार बहुत लोगों ने ये जो फोल्डर है ना इसको कर दिया रीनेम फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं फोर हटा देता हूँ बस अब अगर मैं यहाँ से प्रीमियर प्रो ओपन करूँगा तो ये पैक नहीं चलेगा बिकॉज़ पाथ जो है वो मेरा चेंज हो गया है दिखाता हूं यहां से जल्दी से चलते हैं आप देख सकते हो प्रीसेट पैक्स आर नॉट इंस्टॉल्ड बिकॉज वो नेम चेंज हो गया है या फिर आपने लोकेशन को चेंज करा है नाउ इस चीज़ को करेक्ट कैसे करोगे अगेन मैं प्रीमियर प्रो को क्लोज करूंगा ये जो है ये जो मेरा फोल्डर है ना इसको आप सेव कर लेना सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ ये पूरा फोल्डर है यहां पे मैं फोर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको हम यहाँ से करेंगे कट और मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट्स में बिकॉज डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट्स का जो फोल्डर होता है वहाँ पे ईजिली आप इसको पेस्ट कर सकते हो आप डिलीट भी नहीं करोगे यहाँ से अब मेक श्योर sure कि आप यहाँ से डिलीट ना करो क्लोज़ कर देते हैं अगेन ओपन करते हैं प्रीमियर प्रो नाउ प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है एंड अगेन हमारे सामने आ रहा है प्रीसेट पैक्स आर नॉट इंस्टॉल्ड तो अब कैसे वापस लेकर आएंगे बिकॉज लोकेशन हमारी चेंज हो चुकी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज पाथ पे आप करोगे क्लिक यहाँ पे नो no पैक्स फॉर प्रो कोई नहीं सेटिंग्स के आइकन पर जाएंगे ये आप देख सकते हो ये पाथ है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से हटा देता हूँ चेंज पाथ पर करेंगे क्लिक अगेन हमें वो जो फोल्डर है अब है हमारा वो फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे एंड दिस इज दी फोल्डर और इसको कर लेंगे सिलेक्ट फोल्डर तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पैक आ चुका है इसको मैं क्लोज करता हूँ अगर आपको लगे कि पता नहीं क्या हो रहा है तो अब ये क्लोज हो चुका है अगेन विंडोज़ पर चलते हैं एक्सटेंशन मोशन ब्रो एंड हेयर इट इज़ आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं नाउ जो नेक्स्ट इशू आ रहा था वो ये कि इसको एक्जैक्टली exactly यूज़ कैसे करना है बहुत ही सिंपल है यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ये बैकग्राउंड इसको करेंगे जस्ट अप्लाई नाउ यहाँ पे ये अप्लाई कहाँ पे होगा टाइम लाइन पर जहाँ पर भी आपका ये पॉइंट होगा यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप देख सकते हो कितने इजीली प्ले हो रहा है नाउ इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार ही फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक्स यहाँ पर ग्राफिक्स जो सब टाइटल्स सॉरी सब टाइटल्स नहीं जो लोअर थर्ड्स होते हैं टाइटल्स होते हैं मेनली वो बहुत काम के होते हैं सो so, यहाँ पे इस पे मैं आपको दिखाता हूं ये अप्लाई करते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे रेड आ चुका है दैट मीन्स इसको हमें रेंडर करना होगा तो यहां पे रेंडर हो चुका है प्ले करके देखते हैं नाउ आप देख सकते हो इसका जो मतलब फॉन्ट है वो बहुत ज्यादा है बहुत बड़ा है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है एडिट भी कर सकते हो डबल क्लिक करना है एसेंशियल ग्राफिक्स आपके सामने आ जाएगा यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जतन एंड यहाँ पे अगर मैं कुछ और नाम देता हूँ अरोरा अपना नाम दे देते हैं यार क्या जाता है एंड उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हमें छोटा करना है सो so, आप देख सकते हो यहाँ पर लाइन वेथ एंड यहाँ पर स्केल कंट्रोल तो स्केल कंट्रोल को अगर मैं छोटा करता हूं तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आ गया है एंड साथ में मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूं आपके सामने है एंड अब इसको अगेन रेंडर प्रिव्यू करते हैं प्ले करते हैं तो आपके सामने है कितने इजीली आप इसको यूज कर सकते हो इन ट्रांजेक्शन्स अगर मैं आपको दिखाऊं यहां से इसको डिलीट करते हैं ट्रांजेक्शन में आपको दिखा देता हूँ कुछ क्लिप्स ऐड कर लेते हैं नाव यहां पे मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर ली हैं जैसा कि आप देख सकते हो वीडियो क्लिप्स हैं यहाँ पे स्टॉक फुटेजेस हैं एंड इसको मैं मॉनिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे नाउ दीज आर द क्लिप्स एक बार देखते हैं नाउ यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे सो so, ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो इस टाइप के ट्रांजेक्शन है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पर्सनली ये मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है ये वाला ट्रांजेक्शन सो दिस इज दी ट्रांजेक्शन लेकिन इसकी जो पोजिशन है वो हमें चेंज करनी होगी नाउ इसके साथ ऑडियो भी है ऑडियो आप चाहो तो आप कर सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो इसकी ऑडियो थोड़ा सा लो भी कर सकते हो या फिर ऑफ भी कर सकते हो अगेन इसको भी हमें रेंडर करना होगा एक बार देखते हैं ऐसे चलता है या नहीं तो आपके सामने है ट्रांजेसन भी अप्लाई हो रहा है इसी तरीके से आप और भी ट्रांजेक्शन को यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया में आपके पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि है आप लोअर थर्ड बना सकते हो अपने चैनल का सो दिस इज़ दी लोअर थर्ड साइज़ बहुत बड़ा है अगेन इस पर क्लिक करते हैं एंड चैनल नेम आप कुछ भी दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूँ एंड इसका जो साइज़ है वो भी हमें छोटा करना होगा सो so स्केल हम यहाँ से ट्वेंटी फाइव ले लेता हूँ मैं तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहां पे आएगा परफेक्ट अमेजिंग यहां पे मैं आपको फुल स्क्रीन में एक बारी दिखाता हूं ऑल रेट गाइज़ आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल जितने भी पुराने वीडियोज़ में जितने भी इशूज़ थे मैंने कोशिश करी है सारे के सारे मैं सॉल्व कर दूँ एंड जो एक लिंक है बहुत लोगों को डाउनलोड का इशू आ रहा था तो एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सारी चीज़ें वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ मैंने अपनी तरीके से अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है कि सारे आपके जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए हो सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक like करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरीके के और कॉन्टेंट के लिए दिस इज चतन साइनिंग ऑफ एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो